यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आजकल हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में भी जंगलों में लगने वाली आग देखने को मिल रही है, जिससे हर जगह पर वातावरण प्रदूषित हो रहा है। अगर चंबा जिले की बात की जाए तो जिला चंबा के जंगलों में दिन प्रतिदिन हर जगह जंगलों में आग देखने को मिल रही है। कई बार वन विभाग आग बुझाने की कोशिश करता है और कई बार वन विभाग जंगलों में लगी आग का तमाशा देखता रहता है। कुछ शरारती तत्व होते हैं जो कि जंगलों में आग लगा देते हैं, जिसका खामियाजा जंगल में जीव जंतुओं को भी भुगतना पड़ता है। जंगलों में आग लगने से छोटे छोटे पेड़ पौधे जल जाते हैं, चिड़िया के घोंसले और कई बार चिड़िया के बच्चे भी आग की चपेट में आ जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों का कहना है कि हम लोग कई बार जंगलों में आग लगी हुई देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि वन विभाग आग को नहीं रोक पाता। कई बार वन विभाग भी तमाशा देखता हुआ नजर आता है। उनका कहना है कि वन विभाग उन शरारती तत्वों को पकड़े और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। उच्च अधिकारी से बात करने पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चंबा में जो है चारों तरफ आग लगी हुई है। इस आग से लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं, वातावरण प्रदूषण हो रहा है, लोग भी परेशान हो रहे हैं। और तो और इसकी जो मेन जो वजह है वो शरारती तत्व जो है वो चारों तरफ आग लगा रहे हैं। इससे खामियाजा तो है, लोगों को भुगतना पड़ता है। घरों के करीब आग पहुँच जाती है, कई घरों के घर भी जल चुके हैं और कई लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा है।